हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं एक नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा है, मैंने कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था, आपका नेक्स्ट ऑर्गेनल्स क्या है? लाइसोसोम, जिसको आप इंग्लिश में भी लाइसोसोम ही बोलते हो। और लाइसोसोम का दूसरा नाम आत्महत्या थैली है। मतलब गाइस कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या थैली भी कह सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको और आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा लाइसोसोम होता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनल्स है। ओके, ये तो आपको पता ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इसके बारे में जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में ये जरूर जानना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीजें तो पता ही कि लाइसोसोम जो हमारा होता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, या कोशिकांग कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनल्स क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, ये जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक सेल्स है, ठीक है, जिसमें कुछ मतलब कि कुछ प्रोसेस हमने भोजन के रूप में बनाया है, मतलब कि पाचन के रूप में, भोजन के रूप में, कि किस प्रकार से हमारा भोजन जाता है और किस प्रकार से लाइसोसोम हमारे भोजन को बाहर निकलता है, मतलब कि व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकलता है या फिर अपशिष्ट पदार्थों को ये निष्कासन करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कुछ प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम में। जैसे कि ये हमारा कोट पार्ट जिसके द्वारा हम भोजन करते हैं, मतलब जिसके द्वारा ये लाए भोजन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जाता है कहाँ पे आता है, फैगोसाइटोसिस पे आता है। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन को पूर्ण रूप से परिपक्व करता है। ठीक है, और जो हमारा लाइसोसोम्स है, ठीक है, ये हमारा लाइसोसोम है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे रहता है। उसके बाद ये आगे प्रोसेस जाता है। ठीक है, प्रोसेस जाने के बाद ये जो हमारा जब यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेज पहुंच जाता है, तो लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद जो लाइसोसोम होता है हमारा, वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो लाइसोसोम का यूज यही होता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं, अभी मैं आपको डीपली समझा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि लाइसोसोम्स कैसा क्या प्रोसेस है। लाइसोसोम शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। जैसे लाइसो का मतलब क्या होता है, लाइसो तथा सोमा से बना होता है, मतलब कि लाइसो और सोमा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लाइसो का अर्थ होता है पाचक, क्या होता है गाइस, पाचक, और सोमा का अर्थ होता है काय, मतलब कि लाइसोसोम का मतलब होता है पाचक काय या लयन काय। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या समझना है, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में बताया था कि लाइसोसोम जो हमारा होता है वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है, तो इसी वजह से इसे मतलब कि दो वर्डों से मिलकर जो बना है उसका यही अर्थ होता है कि पाचक काय। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है, जिसको हम लायन काय भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन हमारा ये पूछ सकता है कि जो लाइसोसोम होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि लाइसोसोम का अर्थ होता है पाचक काय। एंड ये पूछ सकता है कि लाइसोसोम को और क्या नाम से जानते हैं, तो आप ये भी बता सकते हो कि लाइसोसोम को लयन काय भी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लाइसोसोम की खोज के बारे में। ठीक है, कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ हमारे स्क्रीन पर लिखा है उसकी खोज के बारे में, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने, डुबे है यहाँ पर डबल लिखा है, ठीक है, डी डुबे ने की थी, कब की थी, ठीक है, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, किस पे की थी, एक एलेक्स नोविकोव, ठीक है, मतलब लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम है एलेक्स नोविकोव, ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिका में लाइसोसोम को देखा था। मतलब कि गाइस खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो आप बता सकते हो कि डी डुबे ने की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि लाइसोसोम को किसने देखा था, ठीक है, तो लाइसोसोम को माइक्रोस्कोप से सबसे पहले एलेक्स नोविकोव ने देखा था। किसने देखा था, एलेक्स नोविकोव ने। ओके, और इसे नाम किसने दिया था, एलेक्स नोविकोव ने, एलेक्स नोविकोव ने ही इसे लाइसोसोम नाम दिया था। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसने देखा था फर्स्ट बार और किसने नाम दिया था, तो आप बता सकते हो। चलिए आगे प्रोसेस का कहता है, देखिए जो हमारा लाइसोसोम होता है गाइस वह एकल झिल्ली अबंध कोशिकांग है, जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्ली हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो हमारा जैविक बहुलक होता है वो कौन कौन सा होता है गाइस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन। ठीक है, मतलब कि इतने सारे हमारे जैविक बहुलक हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक अम्ल, जिसे आप न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इन सभी का ये पाचन है। ओके गाइस, आगे चलिए देखते हैं। जो हमारा अम्ली हाइड्रोलेज होता है वो इंजाइम को कार्य के लिए अम्ली वातावरण में pH-5 की आवश्यकता होती है, जो H8 फेज द्वारा प्रदान की जाती है, और लाइसोसोम में वी प्रकार के एट फेज पंप होते हैं। किस प्रकार के? वी प्रकार के एट पंप फेस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। चलिए लाइसोसोम के निर्माण के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे अंतःपृतिवी जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी का है, जिसे आप गोल्जी बॉडी कहते हैं, के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण के द्वारा होता है। मतलब ये गाइस कि अंतःपृतिवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी का है, मतलब कि गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे प्रोसेस क्या है। जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है, और चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। ओके, मतलब कि सेल्स, मतलब देखिए यहाँ पे आपको सारे सेल्स की बात बता रहा है। जो हमारा लाइसोसोम होता है वो एंजाइम के निर्माण होता है, और तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज जान लीजिए कि लाइसोसोम के प्रकार, ठीक है। लाइसोसोम के प्रकार जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मतलब कि 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। पहला है प्राथमिक लाइसोसोम, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो प्राइमरी लाइसोसोम। सेकंड है द्वितीयक लाइसोसोम, जिसे आप बोलते हो सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड है अवशिष्ट लाइसोसोम, जिसे आप बोलते हो रेसिडुअल बॉडी। और फोर्थ नंबर क्या है चलिए देख लेते हैं, ऑटोफैगोसोम, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो ऑटोफैगोसोम। तो इस तरीके से हमारा लाइसोसोम के 4 टाइप्स होते हैं। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट की बात करते हैं कि हमारा प्राथमिक लाइसोसोम मतलब प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, क्या कार्य करता है, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम होता है, जब लाइसोसोम का निर्माण होता है तो इसमें अम्ली हाइड्रोजन निष्क्रिय रूप में जमा होता है, और वह अम्ली हाइड्रोलेज अम्ली माध्यम में ही कार्य करता है। इसे भंडारण करके या स्टोरेज ग्रैनुल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन और हमारे बन गए कि जो हमारा प्राथमिक लाइसोसोम होता है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो भंडारण करके या स्टोरेज ग्रैनुल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं सेकंड हमारा क्या है। द्वितीयक लाइसोसोम में क्या बता रहा है, मतलब सेकेंडरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम और फैगोसोम या रिक्तिका के संलयन द्वारा बनता है। इन्हें पाचक रिक्तिका या डाइजेस्टिव है ना वैक्यूल्स और हेट्रोसोम, ठीक है, हेट्रोसोम भी कहा जाता है। मतलब कि द्वितीयक लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? फैगोसोम या रिक्तिका के संलयन द्वारा बनता है। इन्हें पाचक रिक्तिकाएं या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और हेट्रोफेगोसोम भी कहा जाता है। तो जो हमारा द्वितीयक लाइसोसोम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेट्रोफेगोसोम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। ओके गाइस, तो चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो चलिए थर्ड हमारा क्या है? अवशिष्ट काय, ठीक है। अवशिष्ट काय क्या होता है चलिए देख लेते हैं। हमारा अवशिष्ट काय जो हमारा होता है वो, ठीक है, लाइसोसोम में अपचिनी सामग्री या अपशिष्ट, ठीक है, पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। जैसा कि आप हमारे डायग्राम में देख लीजिए कि ये अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। कौन करता है हमारा, ठीक है, ये भी बात करते हैं, अवशिष्ट काय, ठीक है। अवशिष्ट काय का देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि अवशिष्ट काय, ठीक है, रेसिडुअल बॉडी, ठीक है, आपके नाम से ही पता चल रहा है कि अवशिष्ट पदार्थ को मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये हमारा जो होता है वो क्या करता है? अवशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर या निष्कासन करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप एक चीज और देख लीजिएगा, किसके द्वारा ये बाहर निकालता है? ये एक्सोसाइटोसिस द्वारा कोशिका से बाहर निकाला जाता है, निकला है, ठीक है, किसके द्वारा? एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। ओके, चलिए लास्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है लिपोफ्यूरिंसिस कण, ठीक है, लिपोफ्यूरिंसिस कण क्या होता है? ये अवशिष्ट काय को
साइटोसिस द्वारा कोशिकाओं से निकाला जाता है और ये लिपोफ्यूसिस फ्यूसिन कण के रूप में जीवद्रव्य के भीतर रखा जाता है। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये होता है। चलिए लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा कह रहा है कि ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम का क्या कार्य होता है गाइस, चलिए देख लेते हैं। ऑटोफैगोसोम जो हमारा होता है वो लाइसोसोम जिनके द्वारा स्वयं की कोशिकाओं में कोशिकांगों को अपघटित किया जाता है वो ऑटोफैगोसोम या साइटोलाइसोसोम कहलाता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑटोफैगोसोम को और किस नाम से जानते हैं, तो साइटो क्या बोलते हैं, साइटोलाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस, चलिए इस तरीके से हमारा जो लाइसोसोम के टाइप्स होते हैं उनका यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि लाइसोसोम से संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि डिसीज रिलेटेड टू लाइसोसोम, जैसे कि गुजर रोग, ठीक है, पम्पेस रोग, टीसेक रोग, है ना। ये नाम थोड़ा सा आपको बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, ये नाम ऐसा लग रहा है कि अभी हमने सुना ही ना गाइस, ऐसा लग रहा होगा, तो नहीं, ये रोग्स हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं अब लाइसोसोम की काय की। ठीक है, कि लाइसोसोम का काय क्या होता है, मतलब लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। चलिए बात करते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की। देखिए, जो हमारा फागोसाइटोसिस होता है, ठीक है, फागोसाइटोसिस या पिनोसाइटिडिस के माध्यम से ये कोशिका में प्रवेश करने वाले कणों को पाचन करता है और इसे हेट्रोफैगी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोफैगी। किसे आप हेट्रोफैगी कहते हैं, जो फागोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करके पाचन करता है, ठीक है, कणों का पाचन करता है, उसे आप क्या कहते हैं गाइस, हेट्रोफैगी, या क्या कहते हैं, हेट्रोफैगी इंग्लिश में भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा जो बोल रहा है वो कोशिका के आंतरिक पदार्थ का पाचन करना, कोशिका के आंतरिक पदार्थ का पाचन करना, इसे ऑटोफैगी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक एक वर्ड टूट के बन रहा है। ठीक है, अभी आपने ऑटोफैगी आगे पढ़ा था ना, तो उसका यूज बता रहा है कि जो चार हमारे लाइसोसोम टाइप्स होते हैं उनके यूज क्या है। ठीक है, तो ये ऑटोफैगी कहलाता है जो कोशिका के आंतरिक पदार्थों को पाचन करता है, मतलब कि जो अंदर के भागों का पाचन करता है। ठीक है, लास्ट थर्ड नंबर हमारा क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा कह रहा है कि ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस प्रक्रिया से पुरानी कोशिकाओं और संक्रमित कोशिकाओं नष्ट किया जाता है, कोशिका के सभी लाइसोसोम फट जाते हैं जिससे इसके सभी पाचक एंजाइम कोशिकांगों को पचाने लगते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि ऑटोलाइसिस प्रक्रिया के पुरानी कोशिकाओं और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, कोशिका के सभी लाइसोसोम फट जाते हैं। ठीक है, कब फट जाते हैं, जब ये कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, तो जिससे इसके सभी पाचक एंजाइम कोशिकांगों को पचाने लगते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। और ये हमारा सब कुछ जो लाइसोसोम होता है वो हमारे पाचन में बहुत बड़ी सहायक होता है, इस वजह से, इसलिए हम मतलब कि इस जब हमारी मतलब कि भोजन की कोशिकाएँ जब नष्ट होती हैं और जब लाइसोसोम हमारे फटने लगते हैं तो ये पाचक एंजाइम कोशिका को पचाने लगती है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह का हमारे लाइसोसोम का कार्य हुए। तो गाइस, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट ऑर्गेनल्स पे बनाऊंगी। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स पे। ओके, थैंक यू।